नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कार्तिक आर्यन की मूवी सप्त प्रेम की कथा के बारे में। देखा जाए दोस्तों, ये मूवी अब 2 दिन बाद रिलीज हो रही, यानी कि इसी शुक्रवार को 29 जून के दिन। तो जानते हैं कि इस मूवी ने कितने की करी है एडवांस बुकिंग, और ये मूवी अपने पहले दिन कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है, और ये मूवी हिट होगी कि फ्लॉप। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट 60 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। और देखा जाए दोस्तों, इस मूवी के अब तक के 8,000 टिकटें बिक चुकी हैं, यानी कि इस मूवी ने 16 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग कर ली है। और देखा जाए दोस्तों, ये मूवी बकरा ईद के दिन रिलीज़ हो रही है, यानी कि हॉलीडे वाले दिन। तो हो सकता है कि ये मूवी अपने पहले दिन 10 करोड़ या उससे ऊपर का भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है। और देखा जाए, इस मूवी को शो भी मिलना चालू हो गए हैं। वहीं अगर हम दिल्ली मुंबई की बात करें, तो इस मूवी के अब तक के 500 शो बुक हो चुके हैं दिल्ली में, और 500 शो बुक हो चुके हैं मुंबई में, और इसके शो बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। और देखा जाए, ये मूवी 29 जून को रिलीज़ हो रही है। और जहाँ अगर हम कार्तिक आर्यन की बात करें, तो कार्तिक आर्यन की पिछली मूवी शहजादा जो बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई थी, और वहीं देखा जाए उससे पहले उनकी मूवी जो आई थी भूलभुलैया 2, देखा जाए वो मूवी सुपरहिट साबित हुई थी। और देखा जाए, इस समय कार्तिक आर्यन जो हैं युवाओं के दिल की धड़कन बनते जा रहे हैं, और जिस हिसाब से देखा जाए आदि पुरुष मूवी फ्लॉप हुई है, तो कार्तिक आर्यन के पास बहुत ही बढ़िया मौका है इस मूवी से कमबैक करने का। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कार्तिक आर्यन की ये जो मूवी है सत्य प्रेम की कथा, ये हिट होगी कि फ्लॉप? अगर आप मुझसे पूछेंगे, तो इसके हिट होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। इस मूवी का बजट भी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि और देखा जाए ये बकरा ईद के दिन मूवी रिलीज भी हो रही है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और इस मूवी की हम आपको एडवांस बुकिंग की तो रिपोर्ट देते ही रहेंगे, साथ में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की भी रिपोर्ट देते रहेंगे। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लग जाए, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।